हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया और बड़ा बढ़िया पेपर करके आए हैं बच्चे। आज की वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का सॉल्यूशन अभी दिए देता हूँ। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं डाल सकता क्योंकि दोस्त मेरा कल का पेपर है एमयू, अपने बीटेक का, जो मेरी बीटेक चल रही है एमयू से, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका पेपर डाल दूँ। क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत शॉर्ट टाइम में मैं सॉल्व कर सकता हूँ और इसी का टीचर हूँ मैं। हर बार दिखाता हूँ कि 15 मिनट में पूरी खत्म इनऑर्गेनिक हो, तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराता हूँ। और दोस्तों, 25 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डायरेक्ट पढ़ाए हुए फंसे। एक एक क्वेश्चन का नक्शा दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पढ़ाया है और कहाँ कहाँ पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए। पीवाईक्यू के कुछ मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराए, प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन कराए बच्चों को। मैंने मिला जुला के कहा था, मैंने बेटा 25+ क्वेश्चन तो अपने नोट्स के ही फंसने वाले हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे। एक एक क्वेश्चन का नक्शा दिखाता हूँ आप लोगों को, सोल्व कराता हूँ। इन फ्यूचर कोई भी बच्चा अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर बेटा आप एमयू बीटेक का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीटेक निकालना चाह रहे हो, एक बार मुझे ज्वाइन जरूर करना दोस्त। मेरे पास जो भी फीस देगा ना, बाई वर्थ तेरी फीस रिटर्न होगी तेरे को और तेरा एडमिशन होगा बेटा। सबसे पहले मेरे पास पढ़ाने का मेरा मकसद ही होता है बच्चे को कि सबसे पहले उसका सिलेक्शन निकले। सिलेक्शन किसी बच्चे का ना रुके जो हमें पेड फीस दे के आ रहा है, उसका सिलेक्शन पहले निकले। कुछ बच्चे पूरा कंटेंट पढ़ने के चक्कर में, पूरा कंटेंट मत पढ़ो दोस्त, सेलेक्टिव पढ़ो। सेलेक्टिव पढ़ने से सिलेक्शन निकलता है। 3 घंटे में कितना पेपर करोगे यार आप लोग? तो आपका पढ़ना और आपका मेंटर को पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आज की वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक सॉल्व कराता हूँ, आइए मेरे साथ इनऑर्गेनिक सॉल्व करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा, एसिडिक ऑफ डायोक्रोटिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, जो बच्चे मुझसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने कहा बेटा ग्रुप 14 के हाइड्राइड, 15 के हाइड्राइड और ग्रुप 16 के हाइड्राइड को ढंग से करके जाना, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ग्रुप 16 के हाइड्राइड से क्वेश्चन आ गया, क्या पूछा एसिडिक करेक्टर, डायरेक्ट बता रखा है मैंने ग्रुप 16 का कि भैया टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब एसिडिक करेक्टर टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ेगा तो देख लो किसमें बढ़ रहा है सबसे ज्यादा, टेलुरियम का, सेलेनियम का, सल्फर का। टेलुरियम का, सेलेनियम का, सल्फर का, ऑप्शन नंबर एक लाइन का क्वेश्चन द कॉमर्शियल। ये लर्निंग क्वेश्चन है भाई, एक दो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, नहीं ऐसे आएंगे जो अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो कभी। ये तो फेमस है कलगन, जो जो है कॉमर्शियल नेम है वो है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का ये कॉमर्शियल नेम है, ना कि उसका ये कॉमर्शियल नेम है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है पर बच्चा समझ जाएगा, ऑप्शन सही दिए हुए हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट डिक्रीजिंग इन देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने कहा था दोस्तों, जब मैं तुम्हें 13, 14, 15, 16 ग्रुप पढ़ा रहा था, मैंने एक वीडियो डाली 1 शॉट, सारे ब्लॉक केमिस्ट्री के क्वेश्चन ए टू जेड मेरी 1 शॉट वीडियो के सारे क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन का नक्शा दिखा दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैंने बेटा ये एक्सेप्शन और ऐसे पूछ सकता है क्योंकि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। साइज के कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये बढ़ा तो बढ़ गया। पर एक्चुअल में जब मैं अपना ये 13, 14 ग्रुप पढ़ूंगा, अगर मैं इस ग्रुप को तुम्हें बताऊं तो इस ग्रुप में मैंने बच्चे को बताया था कि बेटा एक्चुअल में लेड की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी टिन से ज्यादा होती है, इसे याद करके जाना। और सेम एक्सेप्शन पूछ लिया, लेड की ज्यादा है किससे, टिन से। एक्सेप्शन का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री, जनरली टॉप टू बॉटम आने पर घटती है पर लेड की ज्यादा होती है टिन से, ऑल्दो लेड उससे नीचे आता है, ठीक। एक्सेप्शन है, याद रखना है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस कंटेन पीओएच बॉन्ड। मैं अपने बच्चे को 3-3 वीडियो ऑक्सो एसिड की थी और मैंने कहा था एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन आएगा, किसमें 4-4 बॉन्ड, सबके स्ट्रक्चर बनाओ। जब आप हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो देखो दोस्तों, ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओएच 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 ओएच, कितने बॉन्ड है, ओएच ओएच 4, यही तो है आपका ऑप्शन नंबर डी। एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो का नक्शा दे दूंगा कहां से पढ़ा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ यूज टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। डी ब्लॉक की वीडियो डाली है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने वहां पे बताया था, 1 सेकंड वीडियो रख के मैंने बताया था कि बेटा हमेशा जो एसिड यूज होता है वो H2SO4 यूज होता है, इसे याद रखना। व्हेन मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड इज फ्यूज विद KOH और K2Cr2, डी ब्लॉक की रिएक्शन कराई, डायरेक्ट रिएक्शन का क्वेश्चन है, जाके वीडियो देख लो। MnO2 की रिएक्शन KOH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या KOH ना लेके K2CO3 का यूज कर लो। पहली बार में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका प्रोडक्ट K2MnO4, क्या बनता है K2MnO4, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट, प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम परमैंगनेट, साथ के साथ क्या बनता है वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट बनता है भाई। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट मुझे किसमें बनने में हेल्प देता है, मेरी पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नेट मैग्नेट पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अब ये किसमें हेल्प करता है, मेरी परमैंगनेट बनने में, पर पहली बार रिएक्शन में क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट, डायरेक्ट वीडियो का क्वेश्चन है ये। Which of the following alkaline earth metal have tendency towards the formation of metal chloride hydrate? मैंने बताया था ब्लॉक केमिस्ट्री में टॉप टू बॉटम अगर आते हो तो हाइड्रेट बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ऊपर वाले अच्छे मेटल क्लोराइड हाइड्रेट बनाते हैं,
ऊपर देखो, सबसे पहले बेरिलियम अच्छा बनाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम। इसने कहा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टूवर्ड्स, तो बेरिलियम तो ऑप्शन में है नहीं, मैग्नीशियम है। हाँ जी ऑप्शन नंबर, जिस बच्चे ने भी किया सही ऑप्शन टिक किया है। ऐसे इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल फॉर्म पीपी ओवरलैपिंग, अरे भाई जिसके पीपी ही इन्वॉल्व होंगे, क्लोरीन में दोनों सीएल सीएल पी ब्लॉक ही तो एलिमेंट है, दोनों पीपी ही तो ऑर्बिटल के होंगे, फॉर्म होंगे। एक लाइन में क्वेश्चन देख रहा है, बी गुडोली, ये क्या लिख रखा है, गोडोलियम, गोडोलिनियम कि क्या पूछ रहा है तुमसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था मैंने मुझे किसी एलिमेंट का कोई नाम याद नहीं है बेटा, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का, एफ ब्लॉक के तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड किसी, पर मुझे कोड से सारे याद है, सारे के सारे। मुझे देखते ही समझ गया ये किसकी बात कर रहा है, जीडी की, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताया था। मैंने अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे को पढ़ाने के दौरान, पूरी डी एंड एफ ब्लॉक जब पढ़ा रहा था मैं, तभी कहा मैंने बेटा अगर तुझसे एफ ब्लॉक में क्वेश्चन पूछेगा ना तो एएमयू का लेवल तो है, कहीं तुझसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही ना पूछ ले। पर देख लो वही हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही पूछ ली, ऑप्शन नंबर ए। और ये एएमयू के पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने अपने मॉक टेस्ट में 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि यार ये कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आगे जा ही नहीं रहे। एक बार बस ये पूछा कि डी और एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता, वो भी मैंने आपको बताई प्लस थ्री, और सारी रिएक्शन भी पढ़ाई मैंने वहाँ पे बच्चों को, कि अगर क्वेश्चन पूछा तो नक्शा सीधा सीधा सा मुझे दिख रहा है यहाँ से क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया। एल्डिहाइड लगा हुआ है, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते दोस्त, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं और एनएओएच के साथ में अगर वो आ रहे हैं तो वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे। बहुत परफेक्ट नेमिंग रिएक्शन है दोस्त, कैनिजारो रिएक्शन देंगे। अब कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, दो दो एल्डिहाइड ग्रुप को एक साथ ज्वाइन करके एक को कार्बोक्सिलिक एसिड और एक को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो हमारा एल्कोहल में, पर इसने एक ही मॉलिक्यूल में दो दो एल्डिहाइड दे दिए, तो एक को बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक को बनाएगा एल्कोहल। डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ाया बच्चों, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन यार रिएक्शन का। इन पॉलीसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय ईच अदर, पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड, कम से कम किसी बच्चे ने मेरी पीवाई की उसकी भी वीडियो देखी है ना ऑर्गेनिक की, तो मैंने वहां पर भी वो करा रखे हैं, इन्होंने भाई यही पकड़ रखा है बस, कि पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड में किसका लिंकेज होता है, सबको पता है ग्लाइकोसाइक्लिक लिंकेज होता है, कभी कभी पूछ लेगा अमोनो एसिड में किसका लिंकेज होता है, अरे हमें पता है पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होता है, तो ये इन दो क्वेश्चन से आगे ही नहीं बढ़ रहा, बस गिने चुने क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार 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 उसी पैटर्न के क्वेश्चंस क्या करते हैं लोग रिपीट करते हैं। इसीलिए कहता हूँ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जिंदगी में मत छोड़ो, फ्री के नंबर होते हैं यार, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के नंबर होते हैं यार। सेलेक्ट द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, बच्चा भी बता देगा लोन पेयर क्या है रेजोनेंस में, तो ये कैसा हो गया एरोमेटिक, ऑलरेडी बेंजीन रिंग क्या है एरोमेटिक, सब कार्बन sp2 पर भैया ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर कैसा है sp3। मैंने कहा साइक्लिक में एटम में साइक्लिक रिंग में अगर एक एटम भी अगर मेरा sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो मेरा क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा है एंटी एरोमेटिक, सीधा सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन आईयूपीएससी का। कल जब मैं प्रैक्टिस करा रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बड़ा 6 सवाल तो करीब उसी से फंस गए, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाला बताया डायरेक्ट क्वेश्चन फंस गया, आईयूपीएससी के छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने वहां पे बताए थे, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी फंस गया। इसने यहाँ पे क्या लगाया सीएचओ, ये क्या भैया एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड देन यहाँ पे लगा हुआ बीआर एंड देन 5, तो देख लो क्या है, 3 पे क्या लगा हुआ ब्रोमो, 2 पे क्या लगा हुआ मिथाइल, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और कितने कार्बन है टोटल पेंटेनल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेनल, ऑप्शन नंबर डी। इससे आसान आईयूपीएससी जिंदगी में नहीं पूछ सकता, मैंने तो अपने बच्चे को कम से कम 10 वीडियो पढ़ाई थी, एडवांस लेवल का आईयूपीएससी पढ़ाया था, टफ भी आ जाए तो छोड़ मत देना मेरे। ये क्वेश्चन बायो का है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, सबको पता है यार विटामिन कब से प्रोड्यूस करने लगी बॉडी, छोटे छोटे क्वेश्चन, ये तो हुआ किसी ने बायो भी ना पढ़ी हो तब भी। इस क्वेश्चन में बस मुझे डाउट है, इसमें मुझे प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से, अगर मैं H प्लस और I माइनस को लेके चलूं तो H प्लस इस ऑक्सीजन ने अगर लोन पे डोनेट करके अगर इसे दे दिया तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के ये पूरा एक तरफ निकल गया, बचा I अटैक करके यहाँ पे I आ सकता है, तो प्रोडक्ट में मुझे ये भी पॉसिबल लग रहा है और प्रोडक्ट में मुझे ये भी पॉसिबल लग रहा है। इस क्वेश्चन को मैं डाउट की लिस्ट में डाल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है जिसको मैंने किसकी लिस्ट में रखा है बेटा, डाउट की लिस्ट में रखा है। टिंचर आयोडीन इज व्हाट, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक पॉपुलर है, देखो लर्निंग है, मैंने कहा था 102 आएंगे, एक पहले बता दिया, देखो दूसरा क्वेश्चन ये रहा 6 में, लर्निंग है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है आयोडीन के अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टिंचर आयोडीन। ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन, फिनोल की रिएक्शन करा दी बेटा किससे, एनएओएच से, फिनोल की रिएक्शन, ए प्रोडक्ट बना, उस ए प्रोडक्ट को बनने के बाद बेटा उसकी रिएक्शन कराई CO2 और H+ से। कोई बच्चा है मेरा जिसने मुझसे पढ़ा हो, सीधी सीधी रिएक्शन है कौन सी बेटा, कौन सी रिएक्शन है जल्दी बताओ, ओल्वे स्मिथ रिएक्शन, ओल्वे स्मिथ रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा ये NaOH की प्रेजेंस में, फिर ये जो CO2 आएगा ये आके यहाँ पे लग जाएगा और बेटा वाटर से दोनों क्या हो जाएंगे, एसिडिफाई हो जाएंगे, ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा CHO,
सैलिसिलिक एल्डिहाइड, बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन, नेमिंग रिएक्शन का क्वेश्चन सीधा सीधा। इसके बाद में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद फिनोल टू गिव बैकेलेट, भैया बैकेलेट कम से कम 3 बार एएमयू ने अपने ही पीवाईक्यूज का क्वेश्चन रिपीट कर दिया, कितनी बार नहीं पूछा गया है? सब बार बार केवल क्या पूछा है, बैकेलाइट की रिएक्शन किस किस के साथ में होती है? भैया फिनोल की रिएक्शन होती है फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में फिनोल की रिएक्शन, और क्या बनता है? क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, थर्मोसेटिन पॉलीमर। अच्छा क्वेश्चन, अपने ही पीवाईक्यूज का रिपीटेड क्वेश्चन, 25 ईयर के पीवाईक्यू, 25 ईयर के एमयू के मेरे दिमाग में रहते हैं कि एमयू ने कब कौन सा क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है। 22-23 ईयर के पेपर मैंने सारे के सारे एमयू के देख रखे हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN2। SN2 मैकेनिज्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा एल्काइल हैलाइड क्या है वो क्या होना चाहिए, लेस क्राउडेड होना चाहिए, कार्बोकैटायन लेस स्टेबल बनना चाहिए, भैया स्टेबल बन जाएगा तो SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, सबसे छोटा यही देख रहा है, आंख बंद करके बच्चा आंसर लगा सकता है CH3। SN2 मैकेनिज्म सबसे बेहतरीन फॉलो करेगा, ये कल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, कल जो प्रैक्टिस में कराए वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन द रिएक्शन, रिएक्शन में आपसे पूछा, आपको एल्काइन दे दिया, एल्काइन X H2O और ZN, और क्या बना दिया, एल्काइन के दो बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड ये हो, डबल बॉन्ड हो। कल मेरी जिसने वीडियो देखी मैंने डायरेक्ट बताया था, मैंने रटा के कहा था, मैंने बेटा ऐसे ओजोनोलेसिस कहते हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट है, कल इसका एक क्वेश्चन तो मैं मिल सकता है, ओजोनोलेसिस डायरेक्ट, दो बॉन्ड तोड़ो डबल बॉन्ड हो लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ। अब ZN है रिडक्टिव ओजोनोलेसिस, अगर एल्डिहाइड बनता तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता उसे, रिडक्टिव है, पर एल्डिहाइड बना ही नहीं है, एल्काइन के दो बॉन्ड टूटे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो एक्चुअल में इसके में से किसी भी एल्काइन के पास में कोई भी मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं। अब इधर हाइड्रोजन होता तो एल्डिहाइड बनता, एल्डिहाइड बना ही नहीं क्यों, तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो इसमें एक्स क्या है भैया, O3, ओजोनोलेसिस रिएक्शन का नाम ही ओजोनोलेसिस है, ये एक लाइन का। और पिछले बार भी जब मैंने वीडियो डाली थी ना एमए बीटेक के पेपर से पहले, तब भी 7 से 8 क्वेश्चन बचे थे, तब भी मैंने इसी पैटर्न के क्वेश्चन दिए थे बच्चों को, और मैंने वो वीडियो भी अपने पेड बच्चों को सजेस्ट करी, मैंने उसे देखते जाना, अगर उस वीडियो को तुम लोग देखते जा रहे हो ना तो ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन गलत है, कल कराइए उससे और ऐड हो रहे हैं क्वेश्चन। 3-फिनाइल प्रोपीन, 3-फिनाइल मतलब तीन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल रिंग लगी, 3-फिनाइल प्रोपीन CH2 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 3-फिनाइल प्रोपीन ये रहा। अब HBr आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा आके कहां पे कार्बोकैटायन कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यही है। अब इसके बाद में Br लग गया तुम्हारा यहां, सॉरी H लग गया तुम्हारा यहाँ, जो इलेक्ट्रोफाइल आया वो H कहाँ लगा यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद। अब क्या ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है? बिल्कुल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ये कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा, जो फिनाइल रिंग तो और भी ज्यादा इसे स्टेबल करेगी, इसका मतलब फिनाइल रिंग तुम्हारी यहाँ आ गई। अब कार्बोकैटायन जस्ट फिनाइल रिंग के ऊपर ही आ गया दोस्त, CH2 और इधर गया CH3, अब यहाँ पे आके क्या लग जाएगा, Br। देख लो ये क्या है आपका, ये है आपका C6H5, इसके साथ में क्या लगा हुआ है कार्बन, उस कार्बन के साथ में, और एक एच और है बेटा इसके साथ, 2H थे, एक एच और है इसके साथ में, इस कार्बन से क्या लग गया आके Br, और अगेन क्या है CH2, अगेन क्या है CH3, गौर से देखो किस कार्बन के पास में आके लग गया Br, इस कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। आप यार एक लाइन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और डिटेल में कराई हुई है मेरी, एक वीडियो पर्सनल लेके मैंने इसी को कराया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैंने पैटर्न समझ लेना, कार्बोकैटायन बनता है उसका हो जाता है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनता है, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन, बहुत प्यारी रिएक्शन, कि जब भी आप एल्कोहल देखो, एल्कोहल देखो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल, और PBr3 से रिएक्शन करा दो, रिएजेंट का एक्शन होता है OH हटाएगा, Br लगा देगा, क्या लगा देगा, Br लगा देगा, लगा दो, जैसे ही Br लगा और एल्कोहलिक KOH देखा मैंने, मैंने कहा कौन सी रिएक्शन होती है, हल्का सा इनको हीटिंग और लिखना था बेटा, हल्की सी स्लाइटली हीटिंग पे क्या होता है E2 समझते हो क्या हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, अल्फा कार्बन से जो बीटा कार्बन है अल्फा कार्बन के पास में, उससे एक हाइड्रोजन निकल के क्या बना देता है, इसको निकाल के यहाँ पे क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। अब किधर से भी निकाल दो, इधर से निकाल दो, चाहे इधर से निकाल दो, दोनों केस में सेम ही एल्कीन बनेगी, प्रोडक्ट क्या बन गया, ये एल्कीन, ऑप्शन नंबर ए, अच्छा पॉपुलर रिएक्शन। हाउ मेनी कार्बन सेंटर आर प्रेजेंट इन नेचुरल पेंसिलिन, बेटा इसका तो लर्निंग है 3, याद होना चाहिए ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बता रहा था बच्चों को, डायरेक्ट लर्निंग आते हैं बेटा, वो एएमयू का ट्रेंड है, इसीलिए मैं 3 से 4 क्वेश्चन पहले बच्चे से बोल के चलता हूँ, छोड़ दे 30+ करना, अच्छे से पढ़ाए और हल्का पढ़ाए तो 25+ तो सही करना ही करो इसमें से, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, कल ही वीडियो पढ़ाई डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, मैंने क्या कहा था एल्डिहाइड या कीटोन हो, ये कार्बोनिल ग्रुप को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करते हैं दो रिडक्शन, एक तो वोल्फ केसनर, एक क्लेमेंसन रिडक्शन। जब मैं क्लेमेंसन रिडक्शन की बात कर रहा हूँ तो आप लोग गौर से देखो,
क्या इसने कन्वर्ट किया एल्केन में? बिल्कुल सही है, क्लेमेंसन रिडक्शन, बिल्कुल सही है क्लेमेंसन रिडक्शन। वॉल्फ किसमें रिडक्शन भी इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्केन में, पर एल्केन में नहीं एल्कोल में दिखा रहा है, यही गलत है। रोजनमंड रिडक्शन, कल मैं चिल्ला चिल्ला के प्रोडक्ट बता रहा था, मैंने कहा बेटा अगर ऐसा आपको कहीं पर भी एसिड हैलाइड दिख जाए, ऐसा एसिड हैलाइड दिख जाए, तो रोजनमंड रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है H2PdBaSO4, मैंने बताया था बच्चों को, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन होती है, इस कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलार कैटलिस्ट। ये क्या करता है बेटा, सी एच को हटा के यहाँ पे क्या लगा देता है, एच लगा देता है, एल्डिहाइड लगा देता है। तो बेटा ये भी बिल्कुल सही है, एल्डिहाइड लग गया। साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करता है? स्टीफन रिडक्शन, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, केवल गलत बात है। तो वॉल्फ किसनर डायरेक्ट कल क्वेश्चन कराया प्रैक्टिस टेस्ट में और सीधा का सीधा पेपर में आया, पता था इस जून से जरूर क्वेश्चन पूछेगा, एक दो साल से पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? बी। नेमिंग रिएक्शन, दो नेमिंग रिएक्शन कल मैंने बताई थी और स्टार्टिंग में कहा था मैंने, ये दोनों रिएक्शन एमी को इतनी फेवरेट है, हर बार रिपीट करता है, फिंकलस्टीन स्वार्ड, फिंकलस्टीन स्वार्ड, फ्लोराइड में बना दे तो स्वार्ड, और एल्काइल आयोडाइड बना दे तो क्या, फिंकलस्टीन फ्लोराइड बना रहा है तो क्या होगी, स्वार्ड रिएक्शन, सीधी सीधी। ये बायो का क्वेश्चन है नीचे, इसके बाद बायो मॉलिक्यूल, कहने का मतलब मेरा ये है, ये मत कहना भैया बायो का पेपर आ रहा है। 29 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑर्डर आर नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंडिकेट अगेंस्ट इट, उसके सामने जो प्रॉपर्टीज लिखी है उसका वो ऑर्डर सही नहीं है। तो मैं यार गौर से देखो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने कम उसका साइज उतना ज्यादा, बिल्कुल सही ऑर्डर लिखा हुआ है, सीधा सीधा पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन, कितनी बार मैंने कराया। इसके बाद फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मैंने कहा था बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैंने कहा था भैया इतना पॉपुलर है ये भी पूछता जरूर है। इसमें क्या होती है, क्योंकि तो एक ही पीरियड के एलिमेंट है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कल की वीडियो का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कल भी मैंने रिपीट किया था जब मैंने ऑर्गेनिक की वीडियो डाली थी। तो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसकी, नाइट्रोजन की, तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की ना देखे ऑक्सीजन की देती, देखते ही पता चल गया कि ये वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, इसके सामने जो प्रॉपर्टीज लिखी है यही तो मुझसे पूछा था कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी दोनों अगले ऑटोमेटिक ही दिख रहे हैं, वैसे ही सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलरेडी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस भी सही है, टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ती है, तो एक ही प्रॉपर्टीज थी जो गलत थी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन अगेन, मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक क्वेश्चन मिलेगा फ्री का। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डी फोर ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, हाई स्पिन मैंने क्या कहा था, हाई स्पिन कब बनेगी, मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, कब होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, इसका मतलब डी फोर में वीक फील्ड लिगेंड और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में दो ऑर्बिटल बेटा ऊपर जाएंगे और तीन ऑर्बिटल कहाँ रहेंगे, नीचे। अब मुझे पता है लिगेंड मेरा कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो चार भरने मुझे, एक दो तीन, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ऊपर पहुंचाओ। अगर मैं सेंट्रल लाइन पास करूं तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने में होंगे, माइनस का 0.6 डेल्टा नॉट, और ऊपर वाले कितने होंगे, 0.4 डेल्टा नॉट, एक ऊपर गया, टोटल स्प्लिटिंग एनर्जी अगर मैं इसकी निकालूंगा तो माइनस का 0.6 डेल्टा नॉट, और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, और ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 0.4 डेल्टा नॉट, कितना है ऐसा इलेक्ट्रॉन, एक, छैती 18, 18 में से बेटा, 18 में से अगर मेरा कितना गया, चार गया, छैती 18 मतलब का 1.8 माइनस का 1.8 डेल्टा नॉट, प्लस का, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे जीरो, यार मैं जल्दबाजी में गलत कर रहा हूँ, माइनस का 0.4 नीचे होता है, ऊपर 0.6 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.6, ये क्या है 0.4, ये क्या है 0.6, 0.6। अब मुझे पता है चार तिया 12 1.2, और इतना ये कितना हो गया 0.6 डेल्टा नॉट, अगर सॉल्व करोगे बेटा फाइनल माइनस का 0.5 डेल्टा नॉट, सीधा सीधा यार क्वेश्चन नोट्स का कराया हुआ, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, माइनस का 0.6 डेल्टा नॉट, सीधा एक लाइन का क्वेश्चन, क्या ही है इन क्वेश्चंस में यार। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एंड देन यहाँ पर आ जाओ तो सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के ही है क्वेश्चन, एंड देन अगेन कोलिंग। बेटा कल की मेरी वीडियो देख लो जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैंने वहाँ पे सारे प्रोसेस बताए, और जब मैं बच्चे को प्रोसेस पढ़ा रहा था ना, मैंने उसी टाइम से गई थी एक क्वेश्चन फ्री का मिलेगा, सारे प्रोसेस देख लेना। मैंने कहा था मॉन्ड प्रोसेस निकल के प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, वो मेरे टाइम पूछा गया, तुम्हारे टाइम इनमें से ये पूछ सकता है पोलिंग, और मैंने कहा था पोलिंग, और पोलिंग ही आ गया पेपर में, किसके लिए यूज होता है, कॉपर की में प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है। खुद देखो यहाँ पे कह रहा रिमूवल ऑफ CU2O फ्रॉम CU2O2, गलत दे रखा है, प्योरिफिकेशन रिमूवल CU2 फ्रॉम CO में से करते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही है, क्या करना है प्योरिफिकेशन करना है। आगे बढ़ो, अगला इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन बोराजीन, मैंने कहा था बेटा जब मेरे से बच्चा प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने इनऑर्गेनिक बेंजीन को रट के जाना, ये तुम्हारे पेपर में पूछ सकता है कभी भी तुमसे, P3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन विच इज टर्मेड बोराजीन, पूछ लिया डायरेक्ट, बोराजीन का फॉर्मूला बताओ सीधा सीधा, ये एक एक लाइन का सवाल। व्हेन सोडियम इज डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया अ सॉल्यूशन ऑफ डीप ब्लू कलर इज फॉर्म्ड, द कलर इज फॉर्मेशन इज ड्यू टू,
देख लो, मैथ्स ब्लॉक पढ़ाया था आपको, रिवीजन की वीडियो डाली थी, इस अकेले कॉन्सेप्ट पे मैंने दो दो तीन तीन क्वेश्चन डाले थे इनऑर्गेनिक के 100 प्रैक्टिस सेशन में। मैंने कहा था बेटा एक्सपेक्टेड है एक सवाल जरूर फंसेगा, कि जब भी हम एस ब्लॉक के मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर डालते हैं डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन देते हैं, वो डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बेटा पता है किस वजह से मिलता है? सोल्वेटेड अमोनियटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जिन बच्चों ने मुझसे पेड़ पढ़ाया ना उनको तो मैंने इसका IIT एडवांस तक का आर्टिकल पूरा का पूरा पढ़ाया था। मैंने कहा बहुत फेवरेट है और इससे एक क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा, और देख लो टपक गया। सिर्फ ये पूछा डीप ब्लू कलर किसकी वजह से? अमोनियटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, सोल्वेटेड अमोनियटेड इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा दे रखा है ऑप्शन में, जहां जहां मैंने बच्चे को इनऑर्गेनिक बताई ना वहां वहां से इनऑर्गेनिक पूरी। कोई ये नहीं कह सकता बच्चा कि भैया आपने पढ़ाया और हमारा पेपर सही नहीं, समझ रहे हो? केमिकल रिएक्शन PDCl2 4NH3 की रिएक्शन जब AgNO3 के साथ करी जाती है और 2 मोल AgCl3 बनता है, 2 मोल AgCl3 बनता है, कोऑर्डिनेशन को नंबर पूछ रहा है, रिएक्शन के बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है। जिस बच्चे ने आंसर लगाया बिल्कुल सही लगाया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आता है? 4। और इन इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी सबसे पहले किसने करी थी? हमारी करी थी वर्नर, ठीक है, जब उसे पता भी नहीं था इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उस टाइम पे उसने इन इन इनका यूज कर करके लैब में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कर लिए थे, प्रिपेयर कर लिए थे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा रिएक्शन का? 4। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद करो, मैंने क्या कहा था ऑक्सीजन ग्रुप बढ़ाने, क्या पूछ लेगा उससे टीपो? एक्चुअल में ऑक्सीजन, और मैंने कहा था फिल कर बाहर आई आंटी, ये किसका है? ग्रुप 17 का कोड है। मैंने कहा था एक्चुअल में इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, पर बहुत कम एटम में, बहुत कम साइज, छोटे साइज के एटम्स के बीच में जो 7-7 और 8-8 इलेक्ट्रॉन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने ही नहीं देते, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने इस वाले एटम से भी कम हो जाती है, पर इनसे ज्यादा रहती है जो नीचे है इनसे। इसका मतलब सबसे ज्यादा सल्फर की देन ऑक्सीजन की, सल्फर की देन ऑक्सीजन की। अब एक्चुअल में जब देखा गया प्रैक्टिकली, इसमें तो फ्लोरिन के बाद जस्ट क्लोरिन की, फिर फ्लोरिन की आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन ब्रोमिन की, देन आयोडीन की, पर बेटा इस ग्रुप में फिर एक्सेप्शन निकला कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पूरे ग्रुप में ही सबसे कम निकली, सबसे नीचे पहुंचा दो इसे, ऑर्डर आएगा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम और देन पोलोनियम एंड देन बेटा क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की और सल्फर की फिर इन सबसे ज्यादा, इन सबसे ज्यादा ऐसा ऑर्डर कौन सा? देखो ऑर्डर किस तरीके से बनाया एमी वाला ने, देखो ये वाला ऑर्डर, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की फिर सल्फर की इन सबसे ज्यादा, तो ऑक्सीजन सबसे बाद में पहुंच गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी इन्होंने सब ऑर्डरों को क्या किया है? आपस में डिसअरेंज किया है, ठीक है भाई। इसके बाद आओ, MnO4- इज टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री, देयरफॉर पाई मॉलिक्यूल, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ Mn। Mn क्या है यार? एक डी ब्लॉक एलिमेंट है और ऑक्सीजन क्या है? एक मेरा पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो पीडी ऑर्बिटल क्या होगी यहाँ पे? ओवरलैपिंग होगी। अपना क्या करेगा? लोन पेयर से डोनेट करेगा, इसके डी में डालेगा अपना लोन पेयर, ऑक्सीजन पीडी ऑर्बिटल मिलेंगे, सही है। मैं सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को करा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, रिवीजन कराया है, तो जितनी मुझे नॉलेज है उसी नॉलेज को लेके मैं आपके पास बैठ गया हूँ पेपर को सॉल्व करने के लिए। 49, द हाइएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट अमंग ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज शोन बाय, हाइएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो हाइएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट आने के लिए लिगेंट कैसा होना चाहिए? वीक फील्ड लिगेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, चेक ही नहीं करूंगा इसे तो, मॉडरेट लिगेंट है चेक करूंगा, इसे भी चेक करूंगा, पर इसे तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसे तो भूल जाओ, इसको तो मैंने बताई दिया था तुम्हें, इसे तो भूल जाओ। चेक करना इन दोनों को, Mn को चेक करना, इसका जनरली मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा आ जाता है, क्यों? 5-5 अनपेयर्ड आ जाते हैं। Mn पे चार्ज कितना आएगा? +2 आएगा, और Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है? 3d5 4s2, +2 में ये दो गए, 3 में डी में कितने? 5, इससे ज्यादा अनपेयर्ड हो ही नहीं सकते, पांचों के पांचों अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5, देखते ही पता चल गया इससे ज्यादा अनपेयर्ड होंगे नहीं, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतना ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो बनता है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट उसका निकल के आता है, देखते ही समझ में आ गया ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है, बिल्कुल सही लगाया उसने, ठीक है। देख लो आराम से क्वेश्चन कर दिया, अब मैं किसी को चेक नहीं करूंगा, मुझे पता है सब में डी में आएंगे, पर सब में 5 के 5 अनपेयर्ड बने, इतनी बड़ी बात नहीं है, एक में ही बने हैं 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा अनपेयर्ड तो बन ही नहीं सकते, मेरा देखते ही समझ में आ गया क्या डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नहीं बाकी एनओ के साथ में सीओ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, पेयरिंग करा के एनओ के सारे फिल कर देगा, तो अनपेयर्ड बचेंगे नहीं, तो काय का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सकल देखते ही क्वेश्चन बताते हैं आंसर क्या आएगा। और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी बच्चे ने मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन की वीडियो देखो, मैंने उसमें एक ये क्वेश्चन डाला था, इस वेरायटी का एक क्वेश्चन डाला था, और मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एएमयू बीटेक इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, और मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो तो ये होता है पढ़ाने का फायदा, पिछले 3 साल से रेगुलर हार्डवर्क कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन का नक्शा हमारे दिमाग में होता है कि एग्जाम में पेपर आ कहाँ से सकता है। मैं आपको देखो डायरेक्ट वीडियो दिखाता हूँ, अपनी स्लाइड दिखाता हूँ, जब मैंने फुल इनऑर्गेनिक रिवीजन की स्लाइड बनाई थी आप लोगों की, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन डाला था इसी के पैटर्न का,
मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, इसी के पैटर्न का ये बनाया था, ये मैंने आपको सॉल्यूशन कराई थी, सारी की सारी स्लाइड है। देखो क्वेश्चन चेक करना, टी ब्लॉक में ही कराया था मैंने वो क्वेश्चंस तुम लोग। और मैंने कहा था बेटा इस वैरायटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एक्सपेक्टेशन थी, पूछ सकता है कौन सा एग्जिस्ट करेगा और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एग्जिस्ट, और देखो मैंने आंसर बताया था MnF6, इसमें क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई इसमें क्या होता है, मैग्नीज की एक कंडीशन होती है, जब मैग्नीज फ्लोराइड बनाता है ना तो फ्लोराइड में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +4 से ऊपर नहीं जाती। मैग्नीज की कंडीशन है कि जब वो फ्लोराइड बनाएगा तो +4 से ऊपर नहीं जाएगी, और अगर वो ऑक्साइड बनाएगा तो +7 तक शो कर सकता है। मैग्नीज की ऑक्साइड में Mn2O7 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा देख गई है, पर फ्लोराइड के साथ इसकी +4 से ऊपर नहीं होती, तो Mn+6 F6 क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेम वेराइटी का क्वेश्चन आपके पेपर में देख लो, आ गया सेम वेराइटी का क्वेश्चन, बिल्कुल इन्होंने पूछ लिया सेम वेराइटी का क्वेश्चन बच्चे के सामने रख दिया और कहा 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, कहा इनमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरे दोस्त गौर से देख, मैंने क्या कहा था, जब फ्लोराइड आएगा मैंगनीज का फ्लोराइड +4 से ज्यादा में नहीं बनता है, Mn5 इज योर राइट आंसर। मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 25+ क्वेश्चन AMA BTech के इनऑर्गेनिक वर्ग में डायरेक्ट आए, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का ही दोस्तों मैं टीचर हूँ। अगले साल भी जितने बच्चे मेरे पास प्रिपरेशन कराएंगे दिल से सबकी हेल्प करूंगा, बहुत बेहतरीन और सुपीरियर मैनर में पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट लेकर आ रहा हूँ बच्चे को, कि वो बच्चा जो 2-2.5 हज़ार रुपये हमारे पास इन्वेस्ट करके पूरा बीटेक की प्रिपरेशन करे, और खाली प्रिपरेशन ही ना करे यार, सिलेक्शन भी श्योर हो उसका, तो उसका सिलेक्शन भी निकलेगा हमारे पास पढ़ के, क्योंकि जिस पैटर्न पे मैं उसे बता दूं पढ़ ले, कायदे में बैठ के पढ़ लेना, सिलेक्शन तो रुकने वाला है नहीं। बाकी अगर आप CS के लिए पढ़ रहे हो तो एडिशनल हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोग कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरा मैथमेटिक्स का पेपर मैं सॉल्व नहीं करा सकता, मेरा खुद का बीटेक का एग्जाम है, पर अगर मैं कल पेपर देकर आया, अगर किसी ने यूट्यूब पे ढंग से मैथमेटिक्स नहीं डाला, पूरा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए डालू, ठीक है नहीं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पेपर जैसा दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको एक चीज जाते जाते रिपीट करना चाह रहा हूँ यार, पेपर कभी भी आप लोगों की लाइफ डिसाइड नहीं करते, हमारे पास लाइफ में पर डे ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि अगर हम लोग उन पर काम करें तो पता नहीं कब हमारी किस्मत खुल जाए, कब हम मल्टी मिलीनियर बन जाए अपनी लाइफ। और ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज आज के टाइम में अवेलेबल है कि अगर आप बीटेक एमटेक पीएचडी कुछ भी नहीं करते और आप ऑनेस्ट हो अपनी लाइफ में, ईमानदारी से अपने ऊपर काम करते हो, अपने स्किल्स पर काम करते हो, दोस्तों आप लाखों रुपए मंथली कमा सकते हो ऑनलाइन ही ऑनलाइन से। ऐसे ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी हैं यार आज की डेट में ऑनलाइन में, कि फर्क ही नहीं पड़ता कि अब आप लोगों ने किया क्या। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बीटेक ना करो, मैं केवल आप लोगों को बता रहा हूँ ये टेस्ट ना लाइव डिसाइड नहीं करते यार किसी की। जैसा हुआ बढ़िया हुआ, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, खा पी के एकदम मस्त रहिए, और जो भी अपनी जिंदगी में एम है, अगर आपने हार्डवर्क किया सिलेक्शन होगा, नहीं हुआ तो अगले साल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स पर काम करिए, खाली किताबों ही किताबों में मत लगे रहिए। मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आता है ना, मैं सबसे कहता हूँ बेटा एक्स्ट्रा स्किल्स पर भी अपने पे काम। आज की डेट में दुनिया क्या है, मॉडर्न हो रही है यार, गूगल माइक्रोसॉफ्ट बड़ी बड़ी कंपनियां स्किल्स मांग रही है, डिग्री नहीं मांग रही है कोई, कि आप डिग्री दिखा दो, डिग्री दिखा के आपको जॉब देंगे, नहीं दे रहे, स्किल्स पे जॉब मिलेगी। तो फर्क ही नहीं पड़ता आपने बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी किया, नहीं भी किया, आज की डेट में अगर बच्चा पढ़ना चाहे ना, पूरा बीटेक का कंटेंट यूट्यूब से पढ़ सकता है वो, अल्दो उसके पास में कोई डिग्री नहीं होगी पर नॉलेज ए ग्रेड होगी अगर उसने मेहनत से पढ़ाया अपने आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, यही कहता हूँ अपने बच्चे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।